जैन दोस्तों, नरेंद्र शर्मा प्रवाना ज्ञान ज्योति दर्पण में सबका स्वागत करता हूँ। कौशिक साहब, आप यहाँ पर जो पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा है आपकी? यहाँ पे जनसभा गांव की। अच्छा, और आप देख रहे हैं लोगों में बहुत उत्साह है और काम करना बीजेपी के लिए लोग लगे हुए हैं, काम करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे पहली बार राजनीति के अंदर आए हैं, परिवार तो आपका 35 साल से है, तो आपको क्या अनुभव हुआ इसके अंदर, क्या कुछ विशेष नया देखने को? देखो, हम बहुत लंबे से राजनीति में हैं और राजनीति में काम किया है, तो मुझे ये लगता है कि मुझे गन्नौर का माहौल एक तरफ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आप को जो सबसे ज्यादा कोई किसी के सामने कोई पॉइंट विशेष आ रहे हो आप सरकार की तरफ से जो बनाने जा रहे हैं, तो उसका क्या आप कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत काम किए हैं और भी काम जो बाकी वो भी हम सारे करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना भी कार्यकर्ता है वो एकजुट है और पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ रहा है। आप सरकार जो अगर बनाएंगे तो लोगों को क्या देना चाहोगे? देखिए, सरकार बनेगी तो लोगों का काम करेंगे, विकास के काम करेंगे, लोग रोजगार का इंतजाम करेंगे और जो भी कमी पेशी करना वो सारी पूरी करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे हैं आप लोगों का एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा, गलत गलत जो पूरी की पूरी गाल जो है भरी हुई है। दोस्तों, ये है हरियाणा प्रदेश का जिला सोनीपत के अंदर जो है गन्नौर विधानसभा क्षेत्र, इसके अंदर ये हमगढ़ी जजारा गांव में पहुंचे हैं। अभी इनका कार्यक्रम है यहाँ पर, ये चौपाल के अंदर जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके लिए जो है ना देवेंद्र कौशिक जी के साथ जो वार्ता हुई वो हमने आप तक पहुँचाया। बने रही आप हमारे साथ में। मैं नरेंद्र शर्मा, परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों।